बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, टॉपिक का करते हैं जी स्टार्ट। फर्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 15.1, एंड EMF ऑफ 0.45 वोल्ट इज़ इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। वट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडिड टू प्रोड्यूस एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट बिटवीन द एंड्स ऑफ अ बार एज्यूमिंग डैट ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम। स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा जी टारगेट होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है उसकी स्टेटमेंट क्रैक करना। देखिए, आपको एक EMF गिवन है, फर्स्ट EMF जिसे हम कह देते हैं एप्सिलॉन 1, कितनी है 0.45 वोल्ट, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है जी 0.22 टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है कैलकुलेट करनी है, तो टू फाइंड में हम लिख लेंगे कि B2 हमने कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया, जबकि हमें एप्सिलॉन 2, ठीक है, जो EMF है सेकंड की वो गिवन है 1.5 वोल्ट, और एंड में उसने कह दिया है कि बाकी तमाम फैक्टर्स जो हैं जी वो सेम रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप अगर देखें तो आपके पास जो फार्मूला होता है मोशनल EMF का, वो यही नहीं होता जी E इज़ इक्वल टू माइनस VBL साइन थीटा। अब जब उसने कहा है कि अदर फैक्टर्स रिमेन सेम रहेंगे, तो इट्स मीन वो किन फैक्टर्स की बात कर रहा है, स्पीड की, लेंथ की, और एंगल जो है हमारे पास साइन थीटा, ठीक है जी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है माइनस वी बी एल साइन थीटा, तो हम एक दफ़ा E1 के लिए लिख लेंगे, एक दफ़ा E2 के लिए, तो E1 आ जाएगा माइनस वी बी वन एल साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं V1 L1 नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई V1 V2 बराबर है, L1 L2 बराबर है, तो हमने सिंपली VL लिखा है। तो सिमिलरली E2 में भी हमने लिखा माइनस वी B2 L साइन थीटा। तो जब हम अब इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसे दे दें इक्वेशन 2 का, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, तो E1 ओवर E2 एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, वी वी से कैंसिल, एल एल से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, तो आ जाएगा B1 ओवर B2। तो आप डायरेक्ट भी ये फार्मूला याद कर सकते हैं कि एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2। नाउ वी पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंपली हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है जी, तो हमारे पास जो है जी B2 आ जाएगा किसके बराबर, 1.5 इंटू 0.22 डिवाइडेड बाय 0.45। सिंप्लीफाई करेंगे तो B2 जो है सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड वो आ जाएगी 0.73 टेस्ला। ठीक है जी, नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन 15.2। द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन द पोल्स फेसेस ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वेयर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये याद रखिएगा जी, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, क्रॉस इनटू द पेज आप जिसे कह सकते हैं। फाइंड द EMF इंड्यूस इन अ स्ट्रेट वायर, एक तो हमने EMF कैलकुलेट करनी है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट्स मूव्ड इन द डायरेक्शन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल विद अ स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट बात कर ली जाए सबसे पहले गिवन डाटा की, तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जी हॉर्स शू मैग्नेट की, जो कि कितनी है 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वेयर, उसने कहा वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आगे उसने लिखा वह नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। फिर लेंथ गिवन है सेंटीमीटर में है, तो हम इसे SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम सिंपली सेंटी है जी, तो हम इसे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.05 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर स्पीड ऑफ अ वायर जो है वो है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड तो होती है मीटर पर सेकेंड में, अगेन इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट शुरू होने जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पर जो उसने बात की है ना 60, ये हमारे पास एंगल है, अगर आप देखें एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वायर 60 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब हम एप्सिलॉन कैलकुलेट करते हैं तो जो हमें एंगल रिक्वायर्ड होता है वो होता है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने हॉरिजेंटल के साथ एंगल बताया 60, ठीक
ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल के साथ अगर एंगल 60 है हमारे पास, तो जब हम एंगल कैलकुलेट करेंगे वी और बी के दरमियान, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एरिया और एरिया वेक्टर जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एरिया या प्लेन की बात करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो तब एरिया वेक्टर पैरेलल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो उसने डायरेक्शन बताई है हॉरिजेंटल की, वो 60 है। तो जो एंगल बनेगा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान, वो कितना बनेगा, 90 माइनस 60, तो वो 30 आ जाएगा। तो ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, आपने नहीं करनी, आपको जो एंगल यहाँ है आपने उसको 90 में से माइनस कर देना है, सिंपली 30 आ जाएगा। तो एप्सिलॉन है जी इंड्यूस ईएमएफ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा, ठीक है। तो वैल्यूज जो है जी वो हमने सिंपली इसमें सारी पुट कर दी हैं, और साइन आप देख रहे हैं 30 है, 60 नहीं है, ठीक है। तो फाइनली जो मेरे पास एप्सिलॉन इंड्यूस ईएमएफ है जी आ गया -1.25 मल्टीप्लाई टेन टू इस बार -2 वोल्ट। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज विच प्रोड्यूसेस, ठीक है जी। मोशनल ईएमएफ है, तो इंड्यूस ईएमएफ जो है जो मोशन की कंडक्टर को क्या करेगी, अपोज करेगी। और अगर बात कर ली जाए मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -2 वोल्ट। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन 15.3, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अ कॉइल ऑफ वायर हैज 100 लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स गिवन है 100 है जी। ईच लूप एन एरिया ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू इस पावर -3 मीटर स्क्वेयर, एरिया गिवन है जी, नोट कर लिया। अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल टाइम्स। अब ये नोट कर लें कि उसने क्या कहा है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है सरफेस के, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के, मीन जो एरिया वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज फ्रॉम 0.05 टेस्ला टू 0.06 टेस्ला इन 0.1 सेकेंड, तो पहली जो है जी मैग्नेटिक फील्ड B1, सेकेंड वाली B2, टाइम जो है वो उसने बता दिया है कि कितने उसमें चेंज हुई है, 0.01 सेकेंड में। अच्छा, अगर हम चेंज निकालेंगे तो कैसे आएगा, B2 माइनस B1, तो ये देखें लिखा है B2 माइनस B1, चेंज कितना आ रहा है, 0.01 टेस्ला। फाइंड द एवरेज ई एम एफ इंड्यूस इन द कॉयल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये देखें जी, टाइम नोट कर लिया, एवरेज इंड्यूस ई एम एफ कैलकुलेट करनी है। अब ज़रा मेरा पॉइंट नोट करें, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, कि मैंने आपको यहाँ क्या कहा था कि नोट कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है सरफेस के, प्लेन के, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तो क्या होगा, एरिया वेक्टर तो पैरेलल होगा। या दूसरा तरीका क्या है, कि अगर उसने कहा है परपेंडिकुलर है, तो फिर आप 90 में से 90 माइनस कर दें। जब 90 में से 90 माइनस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा फाइनल जो थीटा होगा एरिया वेक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान, वो तो 0 ही आएगा। तो देखें यहाँ पर वो मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस ऑफ लूप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो सरफेस है जो प्लेन है उनके दरमियान एंगल कितना है, 90। जबकि जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है वो कितना है जी, वो तो पैरेलल है आपस में, तो वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक हो गया। तो ये आपने पॉइंट जो है जी वो याद करना है। तो अब आप इधर देख लें कि सॉल्यूशन में सिंपल है हमारे पास, कि इंड्यूस ईएमएफ जो है बाय फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू -n∆ϕ/∆t, -n∆B ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, या मिस्टेकन दो कॉस लिखे गए हैं, एक ही कॉस आता है जी, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो सिंपली वैल्यूज़ को पुट किया, माइनस नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू आ गई जी, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई जी हमारे पास, एरिया वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, कॉस ऑफ 0 जो कि 1 होता है डिवाइडेड बाय टाइम 0.1। सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन का आंसर आ गया जी -1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर -3 वोल्ट। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल 15.4, मार्क कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है जी। सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स 15 है, और रेडियस 2 सेंटीमीटर ईच, आर जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग 100, तो 0.02 मीटर।
द प्लेन ऑफ द कॉयल लाइज एट 40 डिग्री एट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर दोबारा नोट कर लें, द प्लेन ऑफ द कॉयल नॉट एरिया वेक्टर, एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एंगल 40 बना रहा है, तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा? एरिया वेक्टर बनाएगा 90 माइनस 40, तो वो 50 होगा। अभी आगे जाकर हम देख भी लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, ठीक है जी। बी कितनी है जी? 0.2 टेस्ला है। इफ़ द फील्ड इज इंक्रीज बाय 0.5 टेस्ला इन 0.2 सेकेंड, ठीक है जी। जो चेंज है जी मैग्नेटिक फील्ड में 0.5 टेस्ला है, चेंज इन टाइम 0.2 सेकेंड है। तो उसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की कैलकुलेट करनी है। ये रहा जी वो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था कि एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्फा है जी 40, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? वो होगा 90 माइनस अल्फा, जिसे हम थीटा कह देते हैं, थीटा 90 माइनस अल्फा। तो 90 माइनस अल्फा तो 40 था, तो 90 में से 40 गए तो कितना आ गया? 50 डिग्री, ठीक है। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन है एप्सिलॉन का, उसे कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ईच लूप, क्योंकि एरिया गिवन नहीं है, आर गिवन है। तो एरिया होता है जी पाई आर स्क्वेयर, पाई 3.14, आर की वैल्यू पुट कर दी और सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में 1.26 × 10⁻³ m² स्क्वेयर। तो फाइनली फ्राडेल आप अप्लाई करेंगे जी, ई इज इक्वल टू -n∆ϕ/∆t, तो वैल्यूज को कर लेंगे जी पुट, -n, ठीक है जी, डेल्टा बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। तो तमाम वैल्यूज को जब पुट करेंगे हम इस फार्मूले में, सिंपलीफाई करेंगे, तो एप्सिलॉन हमारे पास आ जाएगा जी -1.8 × 10⁻²V, ठीक है। और लेंजेस लॉ के मुताबिक नेगेटिव साइन जो है ये क्या बताता है? कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल 15.5। टू कॉइल्स आर प्लेस साइड बाय साइड एंड ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 200 एम्पीयर पर सेकेंड इन द अदर कॉइल, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल्स। स्टूडेंट बात कर ली जाए गिवन डाटा की, तो दो कॉइल्स की बात की गई है, तो आपको पता चल गया कि जी म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक है। तो उसने कहा ईएमएफ ऑफ 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व इन द वन कॉयल, तो सेकेंडरी कॉयल में ईएमएफ कितनी ऑब्जर्व की गई है? 0.8, ई एस हम लिख लेंगे 0.8 वोल्ट, ठीक है। और करंट किस में चेंज हो रहा है? प्राइमरी में। तो डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, यूनिट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एम्पेयर पर सेकेंड है, तो ये डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी है, जो कि हमारे पास 200 एम्पेयर पर सेकेंड है जी। तो सिंपली म्यूचुअल इंडक्शन हमने कैलकुलेट करनी है जी, और हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। और जब हम कांस्टेंट ओपन करते हैं तो यहाँ एम आता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो फार्मूला सिंपल है, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो एम यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी? एप्सिलॉन एस ओवर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, तो 0.8 / 20, तो आंसर आ जाएगा 0.004। या सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमारे पास कितनी है जी? 4 मिली हेनरी, ठीक है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है जी 15.6। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.75 हेनरी, एम गिवन है जी 0.75 हेनरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर इन 0.025 सेकेंड, तो सबसे पहले तो हम चेंज इन करंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये I1 है जी, ये I2 है, तो चेंज ऑफ करंट होगा I2 - I1, जो कि 10 आ जाएगा सिंपली। और जो चेंज इन टाइम है वो गिवन है 0.025 सेकेंड है जी। वट इज़ द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी? एक तो हमने जो है जी क्या कैलकुलेट करनी है, इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन एस, और व्हाट इज़ द चेंज इन फ्लक्स इफ़ द सेकेंडरी हैज़ 500 टर्न्स, ठीक है जी। और अगर सेकेंडरी में टर्न्स कितनी हो जी? NS 500, तो हमने चेंज इन फ्लक्स भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी, सिंपल है कि वी नो डैट
एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एम डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। तो सिंपली हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट करके पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ई एम एफ सेकेंडरी की आ जाएगी 300 वोल्ट। ठीक है, वी आल्सो नो डैट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज इंड्यूस ई एम एफ बाई यूजिंग फ्राडेला, एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी। तो हमने चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा टी को और एन एस को कर देंगे डिवाइड, तो डेल्टा फाई एस आ जाएगा एप्सिलॉन ऑन एस डेल्टा टी ओवर एन एस। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, गिवन है डाटा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू लेंगे जी हम, इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी में वो आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-2 वेबर। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन 15.7। अ सोलिनाइड हैज 250 टर्न्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। तो गिवन है एल, तो हमने नोट कर लिया सेल्फ इंडक्टेंस 2.4 मिली हेनरी, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मिली 10^-3, तो बन जाएगा 0.0024 हेनरी। और नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 250 है, एन 250 है जी। तो आगे देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन करंट इज 2 एम्पेयर। करंट गिवन है जी आई 2 एम्पेयर, व्हाट इज़ द इंड्यूस ईएमएफ व्हेन करंट चेंज टू 20 एम्पेयर पर सेकेंड। तो इंड्यूस ईएमएफ की डिमांड भी की है जी, एप्सिलॉन भी कैलकुलेट करना है, और जब वो कहता है कि जब करंट चेंज करता है डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी 20 एम्पेयर पर सेकेंड है। तो सिंपल हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जी कि फॉर अ सॉलिनॉइड ऑफ एन टर्न्स फ्लक्स लिंकेज जो हमारे पास होती है जी, फ्लक्स लिंकेज वो होता है जी एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो फाई यहाँ से आ जाएगा एल आई ओवर एन। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे जी तो फ्लक्स आ जाएगा 1.92 मल्टीप्लाई बाय 10^-5 वेबर। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिवन है जी 20 एम्पेयर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ हम कैलकुलेट कर लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के फार्मूले से, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जी एल और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, तो आंसर आ जाएगा 0.048 वोल्ट, या हम इसे लिख सकते हैं 48 मिली वोल्ट। ठीक है, और मार्क कर लें कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल 15.8। अ सोलिनाइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है जी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, जिसे हम लिख लेंगे 0.08 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। जो एरिया है जी वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। अब यहाँ गलती नहीं करनी, सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो दो लेंथ इन्वॉल्व है, एक के लिए सेंटी 10^-2 मल्टीप्लाई बाय 10^-2, तो ये बनेगा 10^-4 मीटर स्क्वेयर, या कन्वेक्शन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट में फर्स्ट ईयर में आप पढ़कर आए कि यूनिट के ऊपर जो पावर होगी वो प्रीफिक्सेस की भी पावर होगी, तो 10^-2 का स्क्वेयर -4 बनता है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर -2 लिख लेते हैं, ये आपने गलती नहीं करनी। ठीक हैज़ 250 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 520। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनाइड व्हेन द कोर इज एयर। एक तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस एल कैलकुलेट करना है, इफ़ द करंट इन द सोलिनाइड इंक्रीज थ्रू 1.5 एम्पीयर। ठीक है, चेंज इन करंट कितना है जी 1.5 एम्पीयर, और टाइम टेकन टू चेंज द करंट डेल्टा टी वो है जी 0.2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ई एम एफ, और हमने इंड्यूस ई एम एफ भी कैलकुलेट करनी है, तो एल सेल्फ इंडक्टेंस और एप्सिलॉन हमने कैलकुलेट करना है। अब ये डाटा स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है, लेकिन अक्सर गिवन नहीं होता, तो ये आपको ज़ुबानी याद हो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4π×10^-7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो सॉल्यूशन है जी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल, और एन यहाँ पर होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हमने पुट कर लिया जी म्यू नॉट एन ओवर एल स्क्वेयर ए एल, तो म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए ओवर एल हमारे पास आ गया। सिंपली हमने वैल्यूज जो हैं जी वो इस फार्मूला में पुट कर दी हैं और सिंप्लीफाई किया, तो एल हमारे पास आ गया जी सेल्फ इंडक्टेंस 2.12 मल्टीप्लाई -4 हेनरी।
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो वैल्यूज को जी जस्ट हमने यहाँ पर पुट कर देना है क्योंकि गिवन डाटा में हमें गिवन है। तो सिंपलीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन हमारे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 वोल्ट। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन 15.9। व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंज फ्रॉम 100 मिली एम्पीयर टू 200 मिली एम्पीयर। आई वन है जी 100 मिली एम्पीयर, जो कि एम्पीयर हम इसे मिली में, जब मिली से ऐसा यूनिट में जाएंगे, मिली 10^-3 है तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पीयर, और आई टू आ जाएगा 0.2 एम्पीयर इन 0.05 सेकेंड। तो टाइम गिवन है 0.005 सेकेंड। तो चेंज ऑफ करंट जो है डेल्टा आई, वो आ जाएगा आई टू माइनस आई वन 0.2-0.1, जो कि बन जाएगा 0.1 एम्पीयर। एंड इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 40 मिली वोल्ट। तो ईएमएफ गिवन है जी 40 मिली वोल्ट, मिली 10^-3, तो ये बन जाएगा 0.04 वोल्ट। तो आगे डिमांड है जी उसकी, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस एल आपने कैलकुलेट करना है। फाइंड द इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, और हमने जो एनर्जी में इंक्रीज आया है वो कैलकुलेट करना है, चेंज इन एनर्जी हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल है, आप ये फार्मूला तो जानते ही हैं जी सेल्फ इंडक्टेंस का, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ से एल आ जाएगा एप्सिलॉन ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो सिंपलीफाई करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 0.02 हेनरी, या एल इज इक्वल टू 2 मिली हेनरी। आल्सो जो पार्ट बी है इसका, वो था जी इंक्रीज इन द एनर्जी स्टोर डेल्टा ई, जो कि होगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इसे हम लिख लेंगे 1/2 एल आई स्केयर, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर का फार्मूला आपको पता है जी। तो फाइनल माइनस इनिशियल है तो आ जाएगा 1/2 एल आई टू स्केयर माइनस 1/2 एल आई वन स्केयर। तो वैल्यू उसको पुट करेंगे जी, और एल दोनों में कॉमन है, एल कॉमन ले लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे जी। तो जो हमारे पास इंक्रीज इन एनर्जी स्टोर्ड है वो आ जाएगा 0.03 जाउल। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट फिर क्वेश्चन हमारे पास 15.10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जी। लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 7×10^-5 टेस्ला। जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है जी, नोट कर लिया हमने। इफ द स्पेस ऑक्यूपाइज एंड एरिया 10×10^8 मीटर पर स्केयर, तो एरिया भी गिवन है जी, नोट कर लिया। एंड हैज़ अ हाइट ऑफ 750 सेंटीमीटर, जो हाइट है जी वो भी हमने यहाँ पर नोट कर ली है। वो कितनी है जी हमारे पास, वो हमारे पास है जी 750 मीटर। ठीक है जी, हाइट है h से लिख सकते हैं, l से लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने l से उसको लिख लिया। तो यू बी जी हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड जो है, तो सिंपल है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। यू बी 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इन टू ए एल 1/2 एज इट इज़। बी की जो वैल्यू आप पुट कर दी उसका स्केयर आ गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट जो है जी, ये हम जानते हैं परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4π×10^-7 ने वैल्यू पुट कर दी, और ए इंटू एल तो एरिया था जी, साथ ये लेंथ जो कि हाइट गिवन थी वो हमने पुट कर दी। तो सबको सिंपलीफाई कर लेंगे जी आप इजीली कैलकुलेटर से, तो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है जी वो आ जाएगी 1.46×10^9 जाउल। मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है जी। फिर है स्टूडेंट क्वेश्चन 15.11, ये भी मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, फेवरेट न्यूमेरिकल है जी, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो स्टेटमेंट है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब लेंथ ऑफ वन साइड जो है वो है 16 सेंटीमीटर, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 0.16 मीटर। ठीक है, तो कहता हैज़ 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200, एंड रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है 0.05 टेस्ला, बी है जी 0.05 टेस्ला। इफ़ द पीक ई एम एफ इज 12 वोल्ट,
एप्सिलॉन कितना है? 12 वोल्ट। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल? ओमेगा जो है जी वो पूछा गया है। तो सिंपल है स्टूडेंट, हम जानते हैं जी, वी नो दैट द पीक वैल्यू ऑफ जनरेटर कॉइल एप्सिलॉन इज इक्वल टू नवाब, ये फार्मूला याद रखना, नवाब से एन ओमेगा ए बी, ठीक है, नवाब साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, साइन 90 पे 1 होगा। तो एरिया को हम सिंपली लिख सकते हैं, उसने कहा स्केयर कॉइल है तो हम लिख लेंगे एरिया को एल स्केयर। क्या लिख लेंगे जी? एल स्केयर। तो ओमेगा जब कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा ई ओवर एन ए बी, तो ये बन जाएगा ई ओवर एन। अब एक ही जगह आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एल स्केयर बी। तो ये स्केयर कॉइल थी ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया बन गया एल स्केयर। तो तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे जी, तो ओमेगा आ जाएगा जी 47 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है जी, एंगुलर वेलोसिटी है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन 15.12। अ जनरेटर हैज़ अ रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 360 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है जी, कितनी है जी? 360 है। द कॉइल रोटेट्स एट 420 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है जी। अब यहाँ पर ज़रा देखें कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किस में गिवन है, रेवोल्यूशन पर मिनट में, जबकि इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होती हैं, तो हम इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं तो हम इसे 60 से डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44 रेडियन पर सेकेंड। इन 0.14 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है जी 0.14 टेस्ला। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस बाय जनरेटर इज 50 वोल्ट, एप्सिलॉन 50 वोल्ट है जी। इफ़ द कॉइल इज 5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है जी, विड्थ ऑफ स्केयर कॉइल है जी 5 सेंटीमीटर, जो कि मीटर में बन जाएगी 0.05 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द कॉइल। लेंथ एल कैलकुलेट करना है जी हमने, ठीक है। ये यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आई लिखा हुआ है, थोड़ा ख्याल करना है जी, ये एल ही है, ठीक है, स्मॉल एल जैसे हम लिखते हैं ना, तो एल हमने कैलकुलेट करना है। वी नो डैट द वैल्यू ऑफ ई एम एफ बाई जनरेटर नवाब एन ओमेगा ए बी, तो सिंपल है, एरिया को हम लिख सकते हैं ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो एप्सिलॉन बन जाएगा एन ओमेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इंटू बी। तो लेंथ कैलकुलेट करनी है तो तमाम फैक्टर्स इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, तो लेंथ बन जाएगी एप्सिलॉन ओवर एन ओमेगा विड्थ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.45 मीटर, तो लेंथ आ जाएगी जी 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन 15.13। इट इज़ डिज़ायर टू मेक एन एसी जनरेटर डैट कैन प्रोड्यूस एंड ई एम एफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 किलो वोल्ट। तो अब इंड्यूस ई एम एफ गिवन है 5 किलो वोल्ट, यानी कि 5000 वोल्ट विथ 50 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी। एफ है जी 50 हर्ट्स गिवन है। अ कॉइल ऑफ एरिया 1 मीटर स्केयर, एरिया गिवन है 1 मीटर स्केयर, हैज़ 200 टर्न्स, इज यूज एज आर्मेचर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 200। वट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी रोटेट। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी है, यही हमने कैलकुलेट जो है जी करनी है। टू फाइंड में आप देख रहे हैं वो सिंपल, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि पी की एम एफ इंड्यूस इन जनरेटर कॉइल इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू नवाब, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है जी 2 पाई एफ, तो ये हम लिख लेंगे एन 2 पाई एफ ए बी। तो बी हमने कैलकुलेट करना है, तो तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे जी इंड्यूस ईएमएफ से, तो बी बन जाएगा एप्सिलॉन ओवर एन 2 पाई एफ ओवर ए। तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी जी फाइनली 0.08 टेस्ला। मार्क कर लें, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.14। द बैक ई एम एफ इन अ मोटर इज 120 वोल्ट वेन द मोटर इज टर्निंग एट 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। वट इज बैक ई एम एफ वेन द मोटर टर्न्स 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट।
बैक ईएमएफ मोटर की गिवन है, इसे हम एप्सिलॉन 1 लिख लेते हैं, 120 वोल्ट। और तब जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है, जो कि है 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। और डिमांड की गई है कि व्हाट इज़ द बैक ईएमएफ, आपने एप्सिलॉन 2 कैलकुलेट करना है जब आपके पास ओमेगा 2 जो है जी वो गिवन है कितना, 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 को क्या कर लें, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें रेडियन पर सेकंड में तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो भी ठीक है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि भाई ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर हमने रेशियोज़ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब हम रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं ना तो रेशियोज़ के दरमियान में यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलर क्वांटिटीज़ के तो यूनिट ही क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो इसलिए हम मैंने यहाँ पर इन्हें कन्वर्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जी हमारे पास फार्मूला है एप्सिलॉन को जो हम जानते हैं, नवाब एन ओमेगा ए बी, तो एप्सिलॉन 1 के लिए बन जाएगा एन ओमेगा 1 ए बी, और एप्सिलॉन 2 के लिए एन ओमेगा 2 ए बी। एन ए बी दोनों के लिए सेम फैक्टर्स रहेंगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन 2 ओवर एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एप्सिलॉन 2 आ जाएगा जी हमारे पास एप्सिलॉन 1 इंटू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1, वैल्यूज को पुट कर देंगे तो एप्सिलॉन 2 फाइनली आ जाएगा 240 वोल्ट। मार्क कर लें, ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है जी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.15। अ डीसी मोटर ऑपरेट्स एट 240 वोल्ट, अप्लाइड वोल्टेज गिवन है 240 वोल्ट, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम, आर जो है 0.5 ओम है। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट द नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट आई जो है जी वो कितना है, 15 एम्पेयर। फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर, बैक ईएमएफ एप्सिलॉन से जी हम लिखते हैं वो कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला हम जानते हैं वी इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई आर, तो एप्सिलॉन आ जाएगा वी माइनस आई आर, तो जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बैक ईएमएफ एप्सिलॉन जो है वो आ जाएगा 232.5 वोल्ट। ठीक है, ये भी अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है जी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.16। अ कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओम। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियस ऑफ कॉपर रिंग आर है 4 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.04 मीटर, और रेजिस्टेंस 1 मिली ओम है तो हम इसे लिख लेंगे 0.001 ओम। मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला, B1 0.2 टेस्ला, B2 0.4, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 0.4 माइनस 0.2 जो कि है जी 0.2 टेस्ला। ठीक है, एट टाइम इंटरवल ऑफ 5 × 10⁻³ सेकेंड वट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है जी, तो हमने आई जो है करंट जो है जी वो हमने सिंपली इससे कैलकुलेट कर लेना है, तो डाटा आपके सामने है जी। तो सबसे पहले हम जो है जी वो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो आर गिवन था, रेडियस गिवन था 4 सेंटीमीटर में, तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर, पाई इंटू आर के स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके एरिया आ जाएगा 5.02 × 10⁻³ मीटर स्क्वेयर। अब बात कर लेते हैं जी कि करंट कैसे कैलकुलेट होगा आई। सबसे पहले देखें कि एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड अल्फा कितना है, 90, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो होगा 90 माइनस अल्फा जो कि 0 होगा। ठीक है, जो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे सिंपली। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, तो फार्मूला आप जानते हैं कि जी ई इज़ इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो एन आ जाएगा डेल्टा बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी, तो यहाँ से जी हमारे पास जो है इंड्यूस ईएमएफ वो आ जाएगी तमाम वैल्यूज पुट करके 0.201 वोल्ट। सो सिंपली बाय यूजिंग ओहम लॉ इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर,
सो एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो करंट आ जाएगा 201 एम्पेयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन 15.17। अ कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 10 एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया, तो एरिया को हम लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वेयर इस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जी B1 0.5 टेस्ला। द क्वाइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1.0 सेकेंड। ठीक है जी, टाइम जो है वो हमारे पास कितना है जी 1.0 सेकेंड। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द क्वाइल एज इट पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड। जब आउट ऑफ द फील्ड जाएगी तो B2 तो 0 ही हो जाएगा जी फाइनल, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0 माइनस 0.5 यानी कि -0.5 टेस्ला। ठीक है, सो एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी 90 है। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल है तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो फिर पैरेलल होंगी ना, तो वो 0 आ जाएगा। तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करेंगे, ई इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, माइनस एन बी ए कॉज ऑफ थीटा ओवर डेल्टा टी, वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0175 वोल्ट, या इसे हम लिख सकते हैं 1.75 × 10^-2 वोल्ट। लास्ट न्यूमेरिकल है जी इस चैप्टर का, इम्पोर्टेंट है मार्क कर लें। 15.18 एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो आपको पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है। इस कनेक्टेड टू मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट, तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कितना है 240 वोल्ट। डिजायर टू ऑपरेट एट 12 वोल्ट, तो सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट है। विथ 30 वाट लैम्प, तो पावर आउटपुट है जी पी आउट वो है 30 वाट। फाइंड द करंट इन द प्राइमरी आईपी कैलकुलेट करना है एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टर्न्स रेशियो एनएस ओवर एनपी हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल है सॉल्यूशन, वी नो दैट फॉर आइडियल पावर जो हमारे पास ट्रांसफार्मर की पावर का रिलेशन है आइडियली वो होता है इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, तो हम लिख सकते हैं वीपी आईपी प्राइमरी पे जो पावर होगी वो होगी सेकेंडरी पर जो कि पी आउट है। पी आउट हमें डायरेक्ट आपने देखा कि गिवन था, तो हम सिंपली क्या करेंगे आईपी कैलकुलेट करने के लिए वीपी को डिवाइड कर देंगे पी आउट से, तो वैल्यू इसको पुट करेंगे तो आईपी आ जाएगा 0.125 एम्पीयर। और टर्न्स रेशियो होती है जो ट्रांसफार्मर की एनएस ओवर एनपी इज इक्वल टू वीएस ओवर वीपी, वीएस 12 वीपी 240, रेशियो ले लेंगे तो आ जाएगी 1/20। तो ये था जी हमारा वीडियो लेक्चर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।